नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। पीएम के आर्थिक पैकेज में कृषि को मिला बल, वोकल फॉर लोकल पर रहा विशेष जोर। मौसम विभाग ने जारी किया अल्फान तूफान को लेकर चेतावनी, थाईलैंड ने दिया है अम्फान नाम, पूर्वी तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। दूषित जल को साफ करने के लिए वैज्ञानिकों ने खोजी नई तकनीक, मानव और पर्यावरण के लिए होगी बड़ी उपलब्धि। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को समझाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि और कृषि शासन संबंधी सुधारों पर विशेष बल दिया। 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कृषि आधारभूत अवसंरचना कोष के लिए किया गया है, जिसके अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप आदि को शामिल किया गया है। सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों के लिए 10,000 करोड़ की सहायता राशि प्रदान किया गया, जिससे प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच को गति दिया जा सके। साथ ही राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 करोड़ रुपए की घोषणा किया गया, जिससे पशुओं में होने वाले खुरपका, मुँहपका आदि रोगों का इलाज सुनिश्चित तरीके से किया जा सके। वहीं डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा आधारित आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया गया। औषधि खेती को प्रोत्साहन देने के लिए अगले 2 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए के व्यय से 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा, जबकि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की राशि वित्त मंत्री द्वारा प्रदान किया गया है। वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू यानी टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटोज यानी TOP या टॉप को कवर करने वाला ऑपरेशन ग्रीन्स सभी फलों और सब्जियों तक विस्तृत किया जाएगा। इस योजना को टॉप टू टोटल नाम दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण मुक्त किया जाएगा। केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही भंडारण की सीमा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के तूफान चेतावनी प्रभाग ने अपने नवीनतम विज्ञप्ति में जानकारी दिया कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर आरोपित वायुदाब 16 मई को दोपहर में और भी तीव्र हो गया, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग के ऊपर चक्रवाती तूफान अम्फान के रूप में बदल गया। 17 मई को यह अपने गंभीर प्रभावों के साथ आगे बढ़ा। इसका प्रभाव 11 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 86 डिग्री पूर्वी देशांतर पर केंद्रित है। यदि देखा जाए तो यह केंद्रीय क्षेत्र ओडिशा से 990 किलोमीटर दक्षिण, पश्चिम बंगाल के दीघा से लगभग 1140 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम की दूरी पर स्थित है। आने वाले 12 घंटे में यह अपनी गंभीरता को प्राप्त करेगा। इसके अगले 24 घंटों के दौरान यह चक्रवात धीरे धीरे तकरीबन उत्तर की ओर बढ़ेगा और फिर मुड़कर 20 मार्च 2020 की दोपहर तक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने तथा उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की ओर तेजी से बढ़ने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप समूह और बांग्लादेश के हाटिया द्वीप समूह के बीच में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होकर गुजरने की प्रबल संभावना है। इस चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में हल्की बारिश से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तक हो सकती है। इस तूफान को मद्देनज़र रखते हुए मछुआरों को खाड़ी में न जाने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया है।
गौरतलब है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों के नामकरण की परंपरा 2004 से शुरू हुई। इस नामकरण के लिए 8 देशों की एक सूची बनाई गई। आठों देश मिलकर क्रमानुसार 8 नाम देते हैं और क्रमानुसार इन्हीं नामों में से एक कोई नाम चुन लिया जाता है। दुनिया भर के जल स्रोतों को सबसे ज़्यादा दूषित करने वाला पदार्थ हेक्सावलेंट क्रोमियम अत्यंत विषैला माना जाता है। सांस लेने या निगलने पर यह जान भी ले सकता है। दुनिया भर के कई देशों में इसके उपयोग को लेकर कठोर नियम बनाए गए हैं। यह जीनोटॉक्सिक माना जाता है, जिससे डीएनए को भारी नुकसान होता है। यह कैंसर के ट्यूमर का निर्माण करता है। स्विट्जरलैंड के इकोले पॉलिटेक्निक फेडरल डे लॉसन यानी EPFL के रसायन शास्त्री पानी से इस हेक्सावेलेंट क्रोमियम के प्रदूषण को दूर करने के लिए कम ऊर्जा खपत वाला उपकरण विकसित कर रहे हैं। इस लिहाज से वैश्विक स्तर पर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कल्याण के दृष्टिकोण से यह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। EPFL के वैज्ञानिकों बेरेंड स्मिथ और वर्दिया वलीजादेह ने इसका शुरुआती नाम स्पंज रखा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि हेक्सावेलेंट क्रोमियम एक अपेक्षाकृत हल्का पदार्थ है, जिसको लगभग 208 मिलीग्राम MOF से निकाल सकते हैं, लेकिन MOF पर प्रकाश डाला जाए तो यह अत्यधिक विषैले हेक्सावेलेंट क्रोमियम को अपेक्षाकृत नॉन टॉक्सिक ट्रीटेंट क्रोमियम में बदल देता है। आपको बताते चलें कि MOF का पूरा नाम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता है, जो स्वाभाविक रूप से एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। गौरतलब है कि इकोले पॉलिटेक्निक फेडरल डी लॉसेन संस्थान स्विट्जरलैंड के लॉसेन में स्थित एक अनुसंधान संस्थान है। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में इसका 14वां जबकि केवल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों में इसका 17वां स्थान है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार हाल ही में बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मधुमेह रोगियों में इंसुलिन के लिए इंजेक्शन देने के लिए सिल्क फाइब्रोन आधारित हाइड्रोसेल विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने इसे फाइबोमोटोपेबल एडिटिव्स का उपयोग करके सूत्र फाइब्रोइन सूत्र के साथ एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है, जो मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन वितरण को आसान बना सकता है। ISFH ने चूहे में सक्रिय इंसुलिन के वितरण का सफल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का यह परिणाम ACS Applied Biomaterial पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 15 मई को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 INLCU-L57 पोत को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अपनी श्रेणी का यह 7वां पोत है। यह पोत जल और स्थल दोनों पर चलने में सक्षम है। इसे डिजाइन करने का मुख्य उद्देश्य बैटल टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, सैन्य दस्तों और उपकरणों को तट पर ले जाने और तैनात करना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में स्थित इन पोतों को तटीय अभियान, आपदा राहत अभियान, खोज और बचाव, आपूर्ति और भरण तथा दूरस्थ द्वीपों से निकासी जैसी विविध गतिविधियों के लिए तैनात किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि इस पोत को मैसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा देश में ही डिजाइन और निर्मित किया गया। जनता की तमाम अटकलों को दरकिनार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आखिर लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की। आपको बता दें कि केंद्र को दिशा निर्देश जारी करने से पहले ही पंजाब, तमिलनाडु, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र ने लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। लॉकडाउन 1.0 और 4.0 शुरू होने से पहले कोरोना संकट पर गौर करें तो पहले चरण की शुरुआत में 606 कोरोना संक्रमित थे, जबकि अब 90,927 हो गए हैं। रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। पहले चरण में 7% था, जबकि चौथे चरण की शुरुआत में 37.5% है। दैनिक मामलों की वृद्धि पर बात की जाए तो पहले चरण में 15% था, जो कि अब 5.8% है। मृत्यु दर
पहले चरण में 2.8% था, जो कि चौथे चरण में 3.15% है। आपको बताते हैं कि पहले चरण में देश के 250 जिले प्रभावित हुए थे, जो चौथे चरण में आते आते इनकी संख्या 500 हो गई है। राष्ट्रीय पूर्वानुमान केंद्र या भारतीय मौसम विभाग के चक्रवात चेतावनी विभाग की ओर से नवीनतम रिलीज विज्ञप्ति के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, निकोबार प्रायद्वीप और अंडमान सागर के कुछ इलाकों में प्रवेश कर गया है। आगामी 24 घंटे के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर एवं मध्य अंडमान प्रायद्वीप के बाकी हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाकों में और आगे बढ़ने के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। आपको बता दें कि भारत में उच्च ताप और निम्न दाब की दशा में भारत की मानसूनी पवने भारत की ओर आकर्षित होती हैं। आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के संदर्भ में भारतीय सेना द्वारा एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस विचाराधीन प्रस्ताव को टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाना जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत नागरिकों का सेना में शामिल होना स्वैच्छिक होगा और चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। आपको बताते चलें कि शॉर्ट सर्विस कमीशन भी इसी तरह की एक सर्विस है, परंतु दोनों में अंतर ये है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा सेना में अपने न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करनी होती है, जबकि टूर ऑफ ड्यूटी में यह अवधि 3 वर्ष के लिए होती है। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकी द्वारा लाया गया सामाजिक परिवर्तन की वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। 2020 में विश्व संचार दिवस का मुख्य विषय डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस को हराने का प्रयास और सतत विकास के लिए 2030 का कम्युनिकेशन एजेंडा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।